अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। Thank you.
जानेमाने उद्योगपति चरणजीत कपूर के निधन पिछले महीने पेरिस में हुआ था। उनके निधन के बाद भारत तथा थाईलैंड में उनके अरबों की संपत्ति पर तरह तरह के विवाद खड़े हो रहे थे, मगर कल सारे विवादों को खत्म करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी इकलौती बेटी नताशा कपूर ने थाईलैंड तथा भारत की सभी संपत्ति पर अपनी दावेदारी पेश की है। आगे की खबरें विस्तार से। पिछले दिनों भारत सरकार मिस्टर ओबरॉय, आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। मिस्टर मेहता, अब तक तो मिस्टर कपूर हम पर ब्लाइंड फेथ करते रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस, बट व्हाट अबाउट नताशा? शी इज शार्प, वेरी शार्प, एंड शार्प थिंग्स wound you instantly. We have to keep the situation totally under control. Mr. Mehta, situations insaan ko nahi banati. Par haan, insaan situations zarur bana sakta hai. Hey baby, just tell me, now won't you caress me? Oh boy, will you hold me? I'm feeling close to me. Hey baby, just tell me, now won't you caress me? Oh boy, will you hold me? क्या हुआ? मैडम आंसर नहीं कर रही है। मैं ट्राई करती हूँ। शॉफर, यू ड्राइव फास्ट हाँ? नताशा, पिक अप द फोन यार। तुम्हारी जान बचाने वाला? मैंने नाम पूछा है तुम्हारा। निर्वाण, निर्वाण श्रॉफ। नताशा, सोनिया, तुम कैसी हो? आई एम फाइन। ओह माय गॉड, अजय, यस मैम, जस्ट टेक डाउन हिज बाइक नंबर। या Why? जानते हो तुमने किसकी जान बचाई है? नताशा कपूर। यू नो शी इज द ओनर ऑफ ईगल ग्रुप ऑफ होटल्स। रियली? एंड यू शैल बी रिवॉर्डेड फॉर दिस। हाउ मच? क्या कीमत लगाई है?
तुमने अपने जान की कीमत मेरी जान की कीमत मैं तुम्हारी जान की दे रही हूँ जो मेरी जान बचाने के लिए तुमने खतरे में डाली थी। अब सिर्फ तुम्हारी जान खतरे में है। क्या रेट चल रहा है मिस नताशा कपूर? पैसों से सिर्फ मौत खरीदी जा सकती है नताशा कपूर, जिंदगी तो एक दान है जो मैं तुम्हें देके जा रहा हूं। Ladies and gentlemen, welcome to the opening of the Bamboo Lounge. मेरे पापा लेट चरणजीत कपूर का ये सपना था जो आज पूरा हुआ। And now I declare the Bamboo Lounge officially open for your recreation. So please enjoy yourselves. फलसफा है तेरे ही तो प्यार का तेरे दीदार का ये फलसफा फलसफा है तेरे ही तो प्यार का तेरे दीदार का ये फलसफा दीदार का ये फलसफा आँखों में जो रहती है करवटे आने वाली एक मेरे सपनों की है आहटे नींद नहीं आँखों में जो रहती है करवटे आने वाली एक मेरे सपनों की है आहटे जो पलकों पे तेरी है खाली सी जगह वहां पे रहने का है तेरे ही तो प्यार का तेरे दीदार का ये फलसफा te quiero mucho señora señora मेरे दिल का तेरी धड़कन से वास्ता है अब मेरी मंजिल का बस तुझ में रास्ता है मेरे दिल का तेरी धड़कन से वास्ता है अब मेरी मंजिल का बस तुझ में रास्ता है तुझी ने देख ली ये जीने की वजह कदमों पे तेरे सफर ये थम गया है चेहरे पे लिखा फलसफा है
प्यार का तेरे दीदार का ये फलसफा बड़े ही गौर से नजर ने पढ़ लिया अनसुना लफ्ज जो है चेहरे पे लिखा फलसफा है तेरे ही तो प्यार का तेरे दीदार का ये फलसफा मिस्टर निर्वाण आपको मैम बुला रही हूं राहुल मैं तुझसे बाद में बात करता हूं यस थैंक्स निर्वाण किस लिए आज सवेरे जो तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए थैंक्स मिस्टर निर्वाण मैं तुम्हारी लाइफ बना देना चाहती हूँ आई मीन तुम्हें मुंह मांगी रकम देकर अपने किसी भी होटल में सिंगर बना देना चाहती हूँ ये आप चाहती हैं मगर मैं नहीं चाहता एनीवेज थैंक्स मिस कपूर नताशा तुम मिस हैंडी हंग को बस में नहीं कर पाओगी और अगर कर पाई तो एक शर्त हो जाए अगर तुमने इसे बस में कर लिया तो मेरा बैनम फिश बंगलो तुम्हारा और अगर ना कर पाई तो ये बैम्बू लाउंज तुम्हारा गुड स्वादिका स्वादिका मामा जी कैसे हो बेटा लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूं क्यों आप कल आए क्यों नहीं मेरी नई होटल के इनॉग्रेशन पे जानते हो कितना मिस किया मैंने आपको उस बात के लिए मुझे ज्यादा अफसोस नहीं ना था सर जितना कि इस बात के लिए कि जब हादसा हुआ उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था नताशा फिर से तेज गाड़ी चला रही थी नहीं मामू बिल्कुल भी नहीं देखो मैं ठीक हूँ आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए I'm perfectly all right. देखो मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा सगी बहन ना होने के बावजूद उसने मेरे हाथ में जो राखी बांधी थी उसकी जिम्मेदारी तो निभानी होगी ना नताशा जी मामा जी ये मैडम नई गाड़ी से ब्रेक ऑयल का लीक करना बात कुछ समझ में नहीं आई आई रियली कांट डाइजेस्ट इट मामू अब पुलिस में है ना तो हर चीज को शक के घेरे में रखने की आदत हो चुकी है आपको नताशा वो लड़का कौन था जिसने अपनी जान पे खेल के तुम्हें बचाया और अमेजिंग ठीक वक्त पे वो वहां पर पहुंच गया वो एक सपने की तरह But a little bit rude, huh? And loads of attitude. ये आप चाहती हैं, मगर मैं नहीं चाहता। पर जो भी हो, interesting, you see? Yes. I want to see him. मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। काफी सुर में हैं आप बाय द वे आई एम विक्रम राठौर नाम निर्वाण श्रॉफ काम सिंगिंग एन एड्रेस
502 C/6 हंगम्बे कॉटेज, हिंदुस्तानी है और पिछले 6 महीने से यहाँ काम करता है। हाइट 6 फीट 1 इंच, रंग सावला, आंखें भूरी, और महोदय के पास एक सेकंड हैंड बाइक भी है। ओ, इसका मतलब ऑटोग्राफ। मेरे फैंस मेरे बारे में इतना डिटेल जानते हैं, मैं तो हैरान हूँ। भाई, पुलिस का काम ही है डिटेल जाना, चाहे वो करोड़पति के बारे में हो या 2 टके के सिंगर के। ऑफिसर, जहां तक मैं जानता हूँ, थाईलैंड में गाना गाना कोई गुनाह नहीं है। बेशक, लेकिन यार थाईलैंड में हिंदी गाना कौन सुनता होगा? थाईलैंड की आबादी है 60.1 मिलियन, यानी कि 112 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। उनमें से 60% लोग हिंदुस्तानी फिल्मों के दीवाने हैं, और यहाँ कई लाख हिंदुस्तानी टूरिस्ट हर साल आते हैं। मैं उनके लिए गाता हूँ। यहाँ पर काम करने के लिए वर्क परमिट की जरूरत होती है। वैसे भी यहाँ सिंगर्स की कोई कमी है क्या? पापी पेट का सवाल है सर। वैसे जान सकता हूँ इतनी पूछताछ क्यों? पुलिस वालों का वजूद ही सवालों में होता है। एनीवे, तुमने नताशा कपूर की जान बचाई है, समझ लो मेरा निजी मामला है। थैंक्स। थैंक्स बोलने से पहले इतने सवाल और भी हैं। तुम क्या कर रहे थे वहां पर? सैर। वाह, क्या बात है, सैर करने वाली ही जगह है। वहां से सनसेट कितना खूबसूरत दिखता है ना सर। मैं तो कहता हूं अपनी फैमिली को। सर, सॉरी सर, मैडम आई क्या? नो सर। कमाल है, मुझे यहाँ बुलाकर अभी तक। मैम तो 3-4 दिनों से नहीं आई है सर। लगता है मैम अवॉइड कर रही है इनको आजकल। एक्सक्यूज मी सर, नताशा मैम ने आपके लिए यह गाड़ी गिफ्ट भेजी है। अब तक तो मिल गया होगा उसे गिफ्ट। इट्स हिम। क्यों, पसंद आया मेरा तोहफा? पसंद आया, लेकिन मैडम तोहफा नहीं, तोहफा देने वाले की नीयत को देखा जाता है। ओह रियली? कहाँ हो, कोई तो पता ठिकाना होगा। क्यों नहीं, कार्लिन कॉटेज पुल साइड। सोनिया, कोई कोई महंगा जरूर होता है, बस कीमत का अंदाजा होना चाहिए। Let's wait and watch. Sonia, लगता है मेरा शिकार आ चुका है। चलो, कहाँ? तुम्हें तमाशा दिखाते हैं। Welcome, welcome, Mr. Nirvaan. चलिए, आप चलकर नहीं आए, गाड़ी में आ गए, वो भी करोड़ों की, मगर आए तो सही। कुछ चीजों को तोड़ने के लिए उनके पास आना जरूरी होता है, खास करके किसी का गुरूर। वाओ, इसे कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड, माय फुट,
इस निर्वाण श्रॉफ को अगर इसी गाड़ी का ड्राइवर नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम भी नताशा कपूर नहीं। आई थिंक रास्ते पे आ गया। ये कर क्या रहे? What is he doing? What are you doing, Nirvaan? This, Nirvaan! आज हार के साथ तुम्हारी मुलाकात हो ही गई मिस नताशा कपूर। नताशा ने जिंदगी में कभी हारना सीखा ही नहीं सोनिया। इसे तो मैं झुका कर ही रहूंगी। I want to make a film like Slumdog. Have you guys seen Slumdog? It's class. It should have... One minute. Hello. Hello, Jatin. Congratulations. नताशा ने जो लोटस गाड़ी तुम्हारे लिए ली थी वो उसने उस दो कौड़ी के सिंगर को गिफ्ट कर दी है, और उस बंदे ने उसको ऐसे फूंक दिया है जैसे होली का दहन हो रही हो। लिसन जतिन, अगर अभी भी तुमने उस लड़के को नहीं रोका ना, तो बाजी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। समझ रहे हो ना तुम? या, ओके। थाईलैंड का हर रास्ता मेरे हाथ की लकीरों की तरह साफ है, और जो तू कहीं छुप नहीं सकता। क्यों बे, क्या चल रहा है आजकल? अबे मैं तुझसे बात कर रहा हूं। देख क्या रहा है बे, ये जो आजकल नताशा के आसपास मंडरा रहा है ना, वो बंद कर दे, वरना हम तेरी सांसें बंद कर देंगे। तू जानता नहीं हम है कौन। बहुत फिल्में देखता है ना, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि फिल्मों में एक डायरेक्टर होता है जो एक्शन शुरू होने के बाद कट बोलता है, लेकिन असल जिंदगी में जब एक्शन शुरू होता है ना, तो कट बोलने पर भी नहीं रुकता है बेटा, समझा? क्या चल रहा है यहाँ? वाओ, तुम यहाँ काम करते हो? ग्रेट। पता, कुछ देर पहले ये जगह मैंने खरीद ली है। How's that? So, अब से तुम मिस्टर निर्वाण श्रॉफ मेरे लिए काम करोगे। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बता दिया, वरना रेजिग्नेशन में किसी गलत इंसान को दे देता। What? बॉस, माय पेपर्स। और हमें खरीदने का ख्याल छोड़ दो।
मैं वो हर जगह खरीद लूंगी जहां पे तुम कदम रखोगे, क्यों कदम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है? ये लड़की चाहती क्या है? ये नताशा ना एकदम इरिस्पॉन्सिबल हो गई है। टेल यू, काश कोई ऐसा होता जो इसे काबू में रख सकता। मेरे ख्याल से हमें एसपी राठौर से एक बार बात कर लेनी चाहिए। पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल नहीं, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। और ये तुम्हारा पेपर टाइगर जतिन, इडियट है इडियट, एक लड़की को काबू में नहीं रख सका। सर, जतिन को इतना कमजोर मत समझिए, थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है लेकिन आप देखिएगा कुछ ही दिनों में नताशा मेरे कदमों में होगी। आज उसकी बर्थडे पार्टी में देखिएगा क्या गुल खिलाता हूँ मैं। बर्थडे? और वो भी मैडम नताशा का? राइट टाइम, राइट अप्रोच एंड चांसेस ऑफ फेलियर निल। थैंक्स। निर्वाण, यहाँ? निर्वाण? निर्वाण? Many happy returns of the day. Oh my God! तुम्हें कैसे पता? तो फिर कहाँ लेके जाना चाहोगे मुझे? जहन्नुम से जन्नत तक। बादलों की है साजिश, लम्हों की है सिफारिश, आज मिलके मिटा दे फासला। बता रहा है ये लड़की ना हमारी आउट ऑफ रीच होती जा रही है। पार्टी में सभी गेस्ट आ गए हैं, कुछ पता चला कि नहीं? लिसन, आई एम फेड अप, बाहर में जाए सब कुछ, मैं घर जा रहा हूं। आंखों से मैं अपनी तेरा चेहरा बदलूं, तेरे पास ही मैं अब आगे सांस लूं। ओ, आँखों से मैं अपनी तेरा चेहरा बदलूं, तेरे पास ही मैं अब आगे सांस लूं। मेरे साए से लिपट जा, चाहे बाहों में से बट जा, अब मुझ में जो भी है
मौसम का नशा है जो हम पे छा रहा है, दिल को छेड़ती है जो भीगी सी हवा है। जो हम पे छा रहा है, दिल को छेड़ती है जो भीगी सी हवा है। मेरे जिस्मों जैसे गुजर जा, कहो वक्त से तू ठहर जा, पर ना रुके प्यार का ये सिलसिला। नताशा, हेलो मैडम, मैं आपसे ही कह रहा हूँ। अगर आप हमारी बातों पे ध्यान दें तो बेहतर होगा। मिस नताशा, आपने हमसे बिना डिस्कस किए जो कुछ भी खर्च किया उसका कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। आफ्टर ऑल वी आर आंसरेबल टू आवर शेयर होल्डर्स। देखिए मैडम, बिजनेस में पीआर से ज्यादा और कोई चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन आपने आज तक हमारे किसी भी क्लाइंट के साथ कोई भी मीटिंग नहीं की है। दिस इज वेरी बैड फॉर आवर पब्लिक इमेज। दिस इज माय फादर्स कंपनी और अब मैं चेयरपर्सन हूं। बट मिस नताशा, ये तो लिसन, अगर आप लोगों में से किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो अपना स्टेक सेल कर सकते हैं, एंड आई एम रेडी टू पे एनी कॉम्पेंसेशन। इज दैट क्लियर? You cancel all the appointments. Yes, madam. Okay? Okay, madam. हाँ मेहता जी, कहाँ पर हो तुम? अब रात को 12 बजे आदमी कहाँ होगा? ठीक है, जहाँ पर भी हो तुम, मेरी बात सुनो। मुझे अभी पता चला है कि नताशा इस वक्त निर्वाण की बाहों में है। क्या? कहाँ? वो है टोटेम क्लब, वॉकिंग स्ट्रीट, नेक्स्ट टू ब्रॉडवे होटल। जल्दी पहुंचो। या तुम आना नहीं चाह रहे थे, है ना? चलो वहां चलते हैं। अरे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाउ डेयर यू? निर्वाण, निर्वाण, what's happening? Run! चलो, छोड़ो मेरा हाथ। मामा जी, मैं 2 दिन बैंकॉक में नहीं रहा और ये हादसा हो गया। इसीलिए तो कहती हूँ आप मेरे साथ रहा करो। डोंट वरी, डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक है। बाल बाल बच गए। कैसे हैं निर्वाण साहब? अच्छा हूँ सर। तुमने एक नहीं दो दो बार नताशा की जान बचाई है,
वो भी अपनी जान पे खेल के। अच्छा ये बताओ कि तुम बार बार नताशा के रास्ते में, मौत के रास्ते में, ये इत्तेफाक है या फिर मेरी प्लानिंग है? यही कहना चाहते हैं ना आप? वैसे मैं भी सोचता हूं कि बार बार मैं अपनी ही जान जोखिम में क्यों डाल रहा हूं। ये जोखिम सिर्फ नताशा कपूर के लिए है या फिर आदत? आदत ठीक उसी तरह जिस तरह पुलिस वालों की आदत है बेगुनाहों को तंग करना। गुनहगार बेगुनाह की शक्ल में ही छिपा होता है निर्वाण साहब। तभी तो बैंकॉक का क्राइम रेट इतना बढ़ गया है। कोई किसी को कहीं भी आकर मार सकता है। पुलिस ने तो आंखें बंद कर रखी हैं, वरना जतिन को अब तक तो उसे अरेस्ट किया गया है मिस्टर। पुलिस वालों की परख की दाद देता हूं मैं ऑफिसर। थाईलैंड पुलिस को आप समझते क्या है मिस्टर? दुनिया के सभी पुलिस वालों को मैं एक ही नजर से देखता हूं ऑफिसर। पुलिस वालों पे काफी रिसर्च किया है आपने। लगता है शुरू से ही चोर पुलिस खेलने की आदत है आपकी। इनफ मामा जी, ये सब क्या हो रहा है? कम से कम इतना तो सोचिए कि उसने मेरी जान बचाई है। आप हर किसी पे शक करते हो और तुम जल्दी ही लोगों पे भरोसा कर लेती हो। गुड डे सर, टेक केयर, गॉड ब्लेस। हमें निर्वाण के बारे में कुछ डिटेल्स पता लगवानी चाहिए। आखिर ये है कौन? क्या है उसमें ऐसा जो नताशा उसके पीछे पागल हो गई है? क्या हम जान सकते हैं कि आज आप मुझे कहां लेके जा रही हैं? मेरे घर। जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, नताशा आपका पूरा ख्याल रखेगी। जानम आओ जरा पास में, जानम डूबो एहसास में, जानम आओ जरा पास में, जानम डूबो एहसास में। दूरी
और कैसा है तुम्हारा निर्वाण श्रॉफ? ठीक तो है ना? चलो खुद अंदर चल के देख लो। Come on. कहाँ है भाई निर्वाण? निर्वाण निर्वाण He'll be coming. क्या ढूंढ रही हो? ये लो मेरे बैनफ बीच बंगले की चाबी जिसे तुम रिसोर्ट बनाना चाहती थी। आखिर जीत ही लिया तुमने निर्वाण को। क्या बकवास कर रही हो सोनिया? तो और क्या, निर्वाण हमारे बीच एक शर्ती तो था और उसे बस में करके तुमने ये शर्त जीत ली है। वाह सोनिया, अमेजिंग। तुम्हें सिर्फ एक शर्त था नताशा। आई डोंट बिलीव दिस। गुड गोइंग। आज मुझे पता चला कि आई एम द बिगेस्ट फूल इन दिस वर्ल्ड। प्लीज निर्वाण, निर्वाण प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। लुक आई रियली लव यू निर्वाण। मैं तुमको सब बताती हूँ। प्लीज शट अप। एकदम चुप। तुम लोगों की इस डर्टी गेम में मैं अपनी जान पर खेल गया। निर्वाण, निर्वाण प्लीज सुनो। निर्वाण ये सच है कि हमारे बीच शर्त लगी थी, लेकिन सच ये भी है शर्त सोनिया नहीं, मैं हार गई हूँ। निर्वाण, निर्वाण प्लीज तुम ऐसे नहीं जा सकते। निर्वाण नहीं, प्लीज मेरी बात सुनो। निर्वाण निर्वाण देखो देखो मैं कुछ बताना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे मौका दो। ड्राइवर लेट्स गो। निर्वाण मैं बहुत अकेली हूँ। निर्वाण एकदम अकेली। तुम नहीं जानते निर्वाण, बट मेरी परवरिश ऐसे ही हुई है। यहाँ हर चीज को पाने के लिए हमेशा पैसों का ही इस्तेमाल होता रहा है। पता है मेरा बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। नहीं। हर रात नई नई लड़कियों के साथ पापा की अय्याशी चलती रही। फिर पापा इंडिया से हमें यहाँ बैंकॉक ले आए, मगर बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया। मेरी बेबस माँ समय से पहले ही दुनिया छोड़ दी। मुझे दुनिया के हर मर्द से नफरत हो गई थी, क्योंकि हर मर्द को मैं अपने डैड की तरह अय्याश ही समझती थी। मैं कभी किसी से प्यार ही नहीं कर पाई। अगर तुम वो पहले इंसान हो निर्वाण जिसे मुझे प्यार हो गया, सच्चा प्यार। अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तुम मेरी जिंदगी बन चुके हो निर्वाण। देखो मुझे छोड़कर मत जाना। तुम जाना तो पड़ेगा नताशा, जाना तो पड़ेगा। इसलिए जाना पड़ेगा ताकि तुम्हें पता चल जाए कि दुनिया का हर मर्द एक जैसा नहीं होता। और तुम ये जो मर्दों के साथ शर्त का खेल खेलती हो ना, ये भी आज बंद हो जाएगा। इसलिए जाना पड़ेगा। गुड बाय मिस नताशा कपूर। गुड बाय। निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण रुक जाओ। निर्वाण, निर्वाण, I love you. देखो निर्वाण अगर तुम नहीं आए ना, Natasha! Natasha! Natasha, wake up! Move! Hurry up, Pete. Gari nikalo. Gari's over there, sir. Jaldi.
मूवमेंट। सर बैठो। थैंक यू सर। सर आप बहुत परेशान लग रहे हैं सर। परेशानी की बात ही है वीआईपी। क्या हुआ सर? अभी अभी नताशा के घर से आ रहा हूं। दिन पर दिन ये लड़की बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। बट सर वो तो शॉर्ट सर्किट था। लोगों को यही बताया गया है, मगर रिपोर्ट्स कहते हैं कि आग खुद नताशा ने लगाई है। सर तोड़ दीजिए। क्या तोड़ दूं? वादा, उसकी माँ को दिया हुआ वादा तोड़ दीजिए या नरस्ट। डोंट टॉक रबिश। सॉरी सर, मगर इस निर्वाण श्राफ ने उस पर क्या जादू किया है? उसका मोटिवेशन क्या है? आई मस्ट नो। हाय, व्हाट्स अप नताशा? कहाँ हो तुम यार? फ्रेंड्स को भूल ही गई हो? ना कोई कॉल्स, ना कोई हंगामा, ना कोई पार्टीज। क्या हो गया तुम्हें नताशा? सोनिया, नताशा मर गई, एकदम मर गई। तुम जानती हो सोनिया, निर्वाण मुझे छोड़कर चला गया। I can't live without him. Please, मेरे निर्वाण को ला दो। कहीं से भी मेरे निर्वाण को ला दो, please. उसे बता दो मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। I love him. निर्वाण, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। Please come back. Okay, Natasha, calm down. सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा सोनिया। मैं उसके लिए अपनी जान दे दूंगी। ये जान भी तो उसी की बचाई हुई है ना, उसी के लिए जाएगी। कम बैक निर्वाण। मैं निर्वाण को समझाने की कोशिश करती हूँ। तुम मुझे उसका नंबर तो एसएमएस करो। आई विल टॉक टू हिम। सी यू। So, Mr. Nirvaan, आप तो सचमुच के लेडी किलर निकले। गुड, वेरी गुड। वो बेचारी तो अपनी जान देने पर तुली हुई है। नताशा की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का बंदोबस्त तुमने कर लिया, मुझे भी उसका आधा हिस्सा चाहिए। तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया निर्वाण, पर अब तुम मेरा हिस्सा देकर मुझे इस गेम से फ्री कर दो। कौन सा गेम? कैसा हिस्सा? कौन सा हिस्सा? डोंट टेल मी कि नताशा तक पहुंचने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल नहीं किया। तुमने मेरे नशे का सहारा लेकर मुझे चीट किया निर्वाण, मुझे चीट किया, मुझे तुमने धोखा दिया। मेरे नशे का सहारा लिया और मेरा वीडियो भी शूट किया। यू ट्रैप्ड मी निर्वाण, यू ट्रैप्ड मी। गुड मॉर्निंग, कुछ देखोगी? ऐसा लगा? अब मैं जैसा जैसा कहूंगा तुम वैसा वैसा करोगी, समझी? नो निर्वाण। You're gonna dance to my tunes, baby. And if you don't, तो ये वीडियो इंटरनेट का सबसे पॉपुलर वीडियो बनने वाला है। ओह शिट। मैं
हर इंफॉर्मेशन देती रही तुम्हें। वो कल लाल रंग की स्पोर्ट्स कार में निकलने वाली है। कल रात की पार्टी में तुम्हारे प्रोग्राम का अरेंजमेंट मैंने कर दिया है। तुम्हारे कहने पर उसके साथ शर्त भी हमने लगाई। डू यू अंडरस्टैंड दैट? रुपया तुम्हें चाहिए, लेकिन मुझे नताशा से या उसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है। यू मस्ट बी जोकिंग। तो फिर ये खतरनाक खेल क्यों खेल रहे हो निर्वाण? क्यों ये पूछो? किसके लिए? बस बस, लास्ट सैंडविच ऑलमोस्ट हो गया है। निर्वाण, तुम कब आए? बीवी से मिलने की फुर्सत मिल गई। चलिए हेल्प कीजिए, कम ऑन, कम ऑन किड्स, लेट्स स्टार्ट, कम ऑन कम ऑन। Yeah, this is for you. Come on, chow. Here. Radhika. हाँ? तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है ना? I simply love them. मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दर्द को, पर हम भी तो मजबूर हैं ना? Hey Rahul. What's up, dude? Rahul, मेरे भाई, कहाँ है तू? कितने दिन हो गए तुझसे मिले हुए, पता है? सुना है भाई, तू पटाया आया हुआ है? हाँ, मैं ही पर हूँ। Cool. तो बता, शाम का क्या प्लान है? चलना, आज डिनर करते हैं। वहीं पूल साइड? हाँ, पक्का। Come on, यार। तुम्हें मुझे दाद देनी पड़ेगी। क्यों? मैंने निर्वाण को स्मोक करना छुड़ा दिया। भाई दाद तो देनी पड़ेगी, तुमने निर्वाण को टोटली चेंज कर दिया। पता है उसकी लेडी किलर इमेज भी चेंज कर दिया तुमने। Come on. Cheers for that. Cheers, everybody. Cheers. Excuse me. I'm really sorry, but we are closed for the day. Nirvaan, phone uthao na, please. Sach batao. To Nirvaan badal gaya hai. Chill, Rahul, chill. Aaj kehne de mujhe Nirvaan. Tu kuch bolta nahi hai na. Isliye log tujhe galat samajhte hain. Tumhe pata hai? Isne apni bike tak bhej di thi. सिर्फ मेरे लिए, ताकि मैं अपना मेडिकल एग्जाम दे सकूं। इसका दिल कितना बड़ा है ना, ये सिर्फ मैं जानता हूं। Stop it, राहुल। निर्वाण, कह लेने दो इसे। इनके मन में तुम्हारे लिए जो प्यार और इज्जत है, let him confess. सिर्फ मेरे लिए क्यों? अधिकार तुम्हारे लिए भी। तुम्हें वो अपना खड़ूस चाचा याद है ना, जिसने तुम्हारा मोबाइल छीन लिया था? जानते हो तुम्हारे नए मोबाइल के लिए इसने क्या किया? अपनी माँ की आखिरी निशानी तक बेच दी, वो गोल्ड चेन। इसने चेन माँ ने बहू के लिए रखी थी, उसके लिए इस्तेमाल हो गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओए वन सेकंड, सेकंड सेकंड, हेलो डॉक्टर जॉन, या आई विल बी देयर, डोंट वरी, आई विल बी देयर। या गाइस कम ऑन, तुम मेरे को छोड़ देता हूँ, मुझे जाना है इमरजेंसी। ओके, अरे खाना खाना वाला बाद में खाएंगे, प्लीज गाइस कम ऑन। नहीं, आज हम दोनों मस्ती के मूड में हैं, आज हम दोनों को अकेले छोड़ दो प्लीज। ओ मस्ती उड़ी बाबा। चल ठीक है, मिलता हूँ। ओके, बाय गाइस, सी यू। बाय, सी यू, बाय, एंजॉय। आहा, हवा लगी है आज तो हमें, उड़े उड़े हैं हम, लगे हमें के आसमान से जुड़े जुड़े हैं हम। हो चांद की छतों पे रात काटेंगे, पास कभी दूर जाके बैठेंगे, बातें न होंगी खत्म। हवा लगी है आज तो हमें, उड़े उड़े है हम, लगे हमें कि आसमान से
उधर बहकने लगी तेरी मेरी नजर। खोए हुए बेहोशियों में हम बता चले किधर। चांद की छतों पे रात काटेंगे, पास कभी दूर जाके बैठेंगे, बातें ना होंगी खत्म। सारा लाके रख तू तेरे हाथ पे, यूं ही रहे प्यार से भरा तेरा मेरा सफर। कहे ये दिल चलो चले अभी जमीन को छोड़ कर। हाँ, चांद की छतों पे रात काटेंगे, पास कभी दूर जाके बैठेंगे, बातें हवा लगी है आज तो हमें उड़े उड़े है हम। लगे हमें के आसमान से जुड़े जुड़े है हम। सच सच बताओ निर्वाण, मेरे सिवा तुम्हारी जिंदगी में और कोई लड़की तो नहीं? मिसेस राधिका हुजा, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कसम खाता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। ओके ओके बाबा, मान लिया, आप पास आओ। राधिका ऐसा मत करो, तुम जानती हो ना ये मिलन तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। मगर निर्वाण, तुम भी तो एक इंसान हो, अ यंग मैरिड मैन, तुम्हारी जरूरत को समझना मेरा फर्ज है। शादी के इतने महीने बाद भी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकी, पति पत्नी का सुख नहीं, शायद कभी एक बच्चा भी नहीं दे पाऊंगी। नहीं निर्वाण, पास आओ। राधिका, राधिका, होश में आओ तुम। किसी भी किस्म का एक्साइटमेंट तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे हार्ट में एक छेद है, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा राधिका, कभी नहीं। नहीं निर्वाण। राधिका, राधिका प्लीज, राधिका होश में आओ। नहीं निर्वाण। राधिका, राधिका देखो, तुम होश में आओ प्लीज। लिसन टू मी, ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है राधिका। ये राधिका, राधिका होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, हेलो पटना हॉस्पिटल, क्विक गाइस कम ऑन, जल्दी करो, जल्दी करो, ठीक है, आराम से,
बस हो गया बस रिलैक्स डॉक्टर कनेक्ट टू द कार्डियक मॉनिटर सिस्टर रबिट हार्ट कम ऑन इसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं मिस्टर निर्वाण हार्ट ट्रांसप्लांट के सिवा कोई चारा नहीं प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट इट विल टेक सम टाइम आई एम सॉरी सीबी ब्लड ग्रुप इज वेरी रेयर प्लीज ट्राई समवेयर लेकिन लिवर सीबी ब्लड ग्रुप इज वेरी रेयर प्लीज ट्राई समवेयर वी कांट हेल्प यू सॉरी हाय डॉक्टर जोशी यस डॉक्टर राव आपसे एक जरूरी काम था आपने बताया था कि आपका एक पेशेंट है जो ब्रेन डेड है और ऑर्गन डोनर भी है राइट हां हां पर कंडीशन बहुत सीरियस है ओह मगर आप क्यों पूछ रहे हैं डॉक्टर एक्चुअली मेरी एक पेशेंट है डॉक्टर साहब उसके लिए मुझे एक हार्ट चाहिए उसके हार्ट का वॉल्व अनरिपेयरेबल है बाय एनी चांस आपका ये पेशेंट बॉम्बे ब्लड ग्रुप का है क्या नो 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 शी इज ओ पॉजिटिव ऑलराइट थैंक्स डॉक्टर जोशी नो प्रॉब्लम एक यही उम्मीद थी वो भी ब्लड ग्रुप मैच ना करने की वजह से टूट गई एक्चुअली निर्वाण बॉम्बे ब्लड ग्रुप है इतना रेयर कि कोई भी उम्मीद ना के बराबर होती है राहुल तूने कभी ऑर्गन ट्रैफिकिंग के बारे में सुना है मैं ये कहना चाहता हूं कि क्यों ना हम एक ऐसे आदमी को कांटेक्ट करें जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग से ताल्लुक रखता हो तू पागल हो गया निर्वाण जानता है कि तू क्या कह रहा है और कहां से आते हैं ये ऑर्गन्स किसी गरीब को धोखा दिया जाता है किसी मासूम की जान ली जाती है और छीन के लाते हैं ये ऑर्गन्स डोंट बी क्रेजी निर्वाण I don't care, Rahul. मैं अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। निर्वाण ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं तो जेल जाऊंगा लेकिन जिंदगी भर तुम भी जेल में सड़ोगे। और राधिका, बेचारी तड़प तड़प कर मर जाएगी। देख निर्वाण, don't lose hope. Me and my team are at it. Internet, world news, जहाँ पर भी ऐसा कोई इंसान है जो ब्रेन डेड है, डोनर है और पीबी ग्रुप का है, we will get the first news. तू बस हिम्मत मत हार यार मेरे दोस्त, come on. Okay? मैं चलता हूं अभी जस्ट हैव पेशेंस होटल एरिस नताशा का पुराना एक्सीडेंट बॉम्बे ब्लड ग्रुप है इसका बैंकॉक व्हाट्स रॉन्ग विद यू निर्वाण आई मीन तुम्हें पता है किसी भी तरह की एक्साइटमेंट राधिका के लिए खतरनाक हो सकती है सब कुछ जानते हुए भी हाउ कैन यू बी सो रिस्पॉन्सिबल यार कम ऑन बस बहुत हो गया मैं मेरी राधिका को इस तरह तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता बस आई मीन हमारी राधिका ऑफ कोर्स तुझे क्या लगता है राहुल मैं नहीं जानता कि तू भी राधिका से प्यार करता था हॉस्टल में तेरे सारे लव लेटर्स मैंने तेरे दराज में देखे हैं जो तूने लिखे तो सही उसे मगर दे नहीं पाया आई नो यू लव्ड हाँ यार प्यार तो करता था मैं पर तुझसे ज्यादा नहीं तुझे मैंने उसके प्यार में बदलते हुए देखा था अपनी फजूल और बोहेमियन जिंदगी छोड़कर असली जिंदगी जीते हुए देखा था उस जिंदगी का नाम था राधिका तेरे में इतना बदलाव आ गया था यार और अपने इस दोस्त के लिए ऐसे कई सारे प्यार कुर्बान कई सारे अच्छा सुन तुझसे जरूरी बात करनी है कम विद मी कम यार एक्चुअली बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला कोई भी डोनर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है मैं यही सोचकर तुम दोनों को बैंकॉक लाया था कि यहां पर देश विदेश से लोग आते हैं शायद कोई मेडिकल हेल्प मिल जाए लेकिन आई एम सॉरी यार आई एम सॉरी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं कम इन निर्वाण आओ ये देख राधिका के रीसेंट रिपोर्ट्स आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज हीमोग्लोबिन ग्लूकोज सब कुछ डिटेरेट कर रहा है देख निर्वाण मैं तुझे डरा नहीं रहा और ये कहना चाह रहा हूं कि वक्त बहुत कम है हमें जल्द से जल्द राधिका का हार्ट ट्रांसप्लांट करना ही होगा और प्रॉब्लम तू जानता है उसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप माय गॉड डॉक्टर सी सिंकी ओह नो
राधिका व्हाट इज गोइंग ऑन राहुल निर्वाण बाहर वेट करो लेट अस डू आवर वर्क प्लीज सिस्टर कॉल डॉक्टर क्विक क्विक निर्वाण रिलैक्स कुछ नहीं होगा उसे ओके जस्ट रिलैक्स ट्रस्ट मी ओके ट्रस्ट मी निर्वाण प्लीज Radhika, please. Radhika. खोलो आंखें खोलो प्लीज राधिका तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती राधिका तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात को हम दिल लेकर आएंगे तुम्हारे लिए I'll get you a heart. Come on. मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए दिल अब यह नताशा कपूर की बदकिस्मती है कि उसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड है सब कुछ डिटेरेट कर रहा है देख निर्वाण मैं तुझे डरा नहीं रहा और ये कहना चाह रहा हूं कि वक्त बहुत कम है हम दिल लेकर आएंगे तुम्हारे लिए I'll get you a heart. जो भी कहना है जल्दी कहो सोनिया मेरे पास वक्त बहुत कम है यस सर वन इंडियन टी प्लीज ओके सर वेल डन मिस्टर निर्वाण नताशा पूरी तरह से तुम्हारी दीवानी हो चुकी है और बहुत जल्द तुम्हारे बुक के मालिक भी बनने वाले हो तो हमारी डील सोनिया मैंने तुमसे पहले भी कहा था और एक बार और दोहराता हूँ मुझे नताशा के पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है और जहां तक तुम्हारे मेरे बीच की जो डील है डील सिर्फ इतना ही था कि तुम्हारी या तो वो वीडियो इंटरनेट की शान बढ़ाएगी या फिर तुम मेरे साथ दोगी आई हैव नथिंग बट ऑफर यू तुम्हें देना होगा निर्वाण क्योंकि तुम्हें नताशा तक पहुंचाने के लिए मैंने भी उतने ही जोखिम उठाए हैं बिल्कुल लेकिन तुम एक बात भूल रही हो सोनिया तुम्हारा और मेरा मकसद बिल्कुल जुदा है तुम उसके पैसों के पीछे पड़ी हो और मैं और तुम उसकी जान के पीछे क्या मिलेगा तुम्हें नताशा को मारकर ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा लेकिन हाँ तुम्हें मारकर छुटकारा जरूर पा सकता हूं मैं सुनो मुझे मत डराओ दो दिन तक तुम्हारा इंतजार करूंगी उसके बाद तुम्हारा प्रॉपर इंट्रोडक्शन आई मीन योर बायोडेटा नताशा को देना पड़ेगा घर गए निर्वाण नहीं समझ गया क्या कि तुम्हें चुप कराना बहुत जरूरी है कल इतना इंपॉर्टेंट केस था वहां पर भी नहीं आई
लगता है कि हम प्रॉपर्टी से भी हाथ धो बैठेंगे। उस लड़के के चक्कर में अपने होशो हवास खो बैठी है नताशा। समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे रोका जाए। बस एक ही रास्ता बचा है। क्या? किसी भी तरह उस लड़के को नताशा की जिंदगी से हटाना होगा। लेट्स फ्रेम हिम फॉर एनीथिंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। इंडियन है और सुसाइड केस लगता है सर। ले भिजवा। ओके सर। फाइन, यू जस्ट राइट इट डाउन। ये सब क्या हो गया? नताशा, डोंट टच। क्यों किया इसने सुसाइड? थॉमस, सेंड द बॉडी फॉर ऑटोप्सी। आई नो, सो सैड। रिलैक्स नताशा। मामा जी, कुछ तो क्लू मिला होगा कि सोनिया ने सुसाइड क्यों किया। कोई लेटर, कोई सबूत, कुछ तो मिला होगा ना? मिल जाएगा नताशा। वैसे कल रात आप कहाँ थे मिस्टर निर्वाण श्रॉफ? आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं निर्वाण से? और ये सब आप इससे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि कल रात निर्वाण सोनिया से मिला था और सोनिया ने आखिरी कॉल निर्वाण को ही किया था। Am I right? निर्वाण जी? हाँ, किया होगा, मगर मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। और वो मिलने वाली बात भूल गए हो तो याद दिला दो। हाँ, मिला था। सो, मिलना कोई गुनाह तो नहीं? गुनाह है नहीं, ये तो ऑटोप्सी के बाद पता चलेगा। बाय द वे, ये सुसाइड केस नहीं है, बल्कि उसे बेलकनी से गिराया गया था और शक के घेरे में। व्हाट? आप निर्वाण पे शक कर रहे हैं? प्लीज स्टॉप इट। नताशा, लेट मी डू माय जॉब। वैसे कल रात आप सचमुच थे कहां? वो मैं, ही वाज विद मी इन माय बेडरूम। नताशा, और शायद इससे ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहेंगे आप। तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। कम ऑन निर्वाण, लेट्स लीव फ्रॉम हियर। मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो सारी हदें पार कर जाता है। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें जुनून ना हो, इसलिए कानून भी उस हद तक नहीं पहुंच पाता सर। गुड डे ऑफिसर। गुड डे। तुमने ऑफिसर से झूठ क्यों कहा मुझे बचाने के लिए? तुम सचमुच कल सोनिया से मिले थे? हाँ, मिला था। मगर क्यों? यकीन करोगी मेरा? बोलो तो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी और सोनिया ने लोन देने का वादा किया था। डोंट टेल मी निर्वाण, मेरे होते हुए तुम सोनिया के पास गए वो भी पैसे मांगने के लिए, और मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है, और मैं तो तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। अब नताशा, मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि तुम्ही से पैसे लेकर तुम्हें प्रेजेंट करूँ। मैं तुम्हें एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट करना चाहता था। ओ निर्वाण, तुम मेरी जान लेके रहोगे। आई लव यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि निर्वाण हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो, सो इसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है आप पूरी कर लीजिए। अब सारे फैसले आप खुद ही ले चुकी हैं तो फिर हमारी यहाँ क्या जरूरत है? देखिए मैडम, कॉर्पोरेट डिसीजंस ऐसे नहीं लिए जाते हैं। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है, परमिशन लेने के लिए नहीं। नो नताशा, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। बट निर्वाण। नताशा,
मुझे तुम्हारे ईगल ग्रुप ऑफ होटल्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओके, हम बाद में बात करते हैं। नहीं नताशा, आज इनको पता चल ही जाए कि इनकी मैडम के साथ मेरे रुपए पैसों का कोई संबंध नहीं है। देखो, आज नहीं तो कल हम शादी कर रहे हैं ना, और बाद में तो ये सब तुम्हारा ही है। नताशा, तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारे रुपए पैसों से मुझे खुशी मिलेगी? तुम जानना चाहोगी कि किस बात से मुझे खुशी मिलती है? तुम मुझे इस हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए हो? तुम्हें ये बताने के लिए कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये देखो, ये लोग कोई भिखारी नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा मजबूर है। ये बच्ची, ये बैठी है किडनी के इंतजार में, और ये 6 साल का लड़का, इसे अभी उम्मीद है कि कोई इसे एक लंग दे देगा, और वो औरत, उसे अब भी एक लीवर का इंतजार है। How are you, Pooya? निर्वाण? क्या? चेक। फिर वही पैसों का गुरूर। तुम्हें क्या लगता है कि इन पैसों से उनकी जान बचाई जा सकती है? I understand, निर्वाण, but what can I do? बताओ मैं क्या करूं? एक रेम दिल डोनर बन जाओ, और मैं चाहूंगा कि मेरी नताशा बिल्कुल मेरी तरह सोचे। बस इतनी सी बात, ला फॉर्म दो, मैं अब भी साइन कर देती हूँ। Yeah, sure. Madam, come tomorrow for complete body check. In the daytime. Sure. ये लड़का नताशा के लिए खतरा बन सकता है। Yes, sir. वीआईपी सिंह। Yeah. इस लड़के की सारी डिटेल, सारी जानकारी हमें चाहिए। ओके सर। वीआईपी दिखाई दिया हो? हाँ सर, उसे भागते हुए देखा है सर। अरे तो फॉलो इमीडिएट। यस सर, यस सर। सर, वॉकिंग स्ट्रीट पर है, मैं फॉलो कर रहा हूँ। कीप मी अपडेटेड। स्टेटस क्या है वीआईपी? कॉपी। कॉपी तो बच्चे स्कूल में करते हैं ऑफिसर। बेटा, अभी तो सिर्फ स्कूल याद आया है, बाद में नानी भी याद आएगी। फिलहाल तो मुझे सिर्फ आपकी याद आ रही है सर, और मैं आपके पास खिंचा चला आ रहा हूँ। छुप छुप के देखने का शौक अब आदत बन चुकी है अफसर। नहीं, ये बैंकॉक है, और यहाँ पे अनजान चेहरे बहुत समय तक छुपे नहीं रह सकते। ऑफिसर, ये पकड़ा पकड़ी का खेल हम रोज खेल सकते हैं। या तो पुलिस मुझे जेल में बंद करके रात भर डंडे मारे, सुबह तक सब कुछ उगल दूंगा, या फिर नारकोटिक्स के केस में फंसा कर मुझे अलविदा करे। यही तरीका है ना आप लोगों का सर, बेगुनाहों को सूली पर चढ़ाना, मुझे नताशा के रास्ते से हटाना। ओ, विक्रम राठौर नाम है मेरा।
20 साल के करियर में 128 केस सॉल्व कर चुका हूँ, 4 बार गोलियां खा चुका हूँ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, और इस वर्दी पर आज तक कोई भी दाग नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं ऑफिसर, मेरे हाथों से मेडल पहनना? नहीं, इन हाथों में हथकड़ियां पहनाना, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो। तो फिर लाइन में खड़े जाइए ऑफिसर, और इंतजार करिए कि आपका नंबर जल्दी से लग जाए। ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। सर, सर तो गुड मॉर्निंग, शादी की सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी। तुम्हें याद था निर्वाण? बिल्कुल याद था, और ये भी याद था कि आज हम सेलिब्रेट यहीं करेंगे, और खाना द ग्रेट निर्वाण अहूजा आपके लिए बनाएगा। ओहो, तुम? बिल्कुल। तुम्हें सिर्फ बातें बनाना आता है। अच्छा सुनो, आज प्लीज घर जल्दी आना, मैं सारी तैयारियां करके रखूंगी, तुम आओगे ना? वादा। जस्ट मिनट। हाँ बोलो, क्यों? अच्छा आ जाऊंगा। ओके बाय। आज जल्दी आओगे ना? कहाँ थे तुम सुबह से, पता है कितना इंतजार कर रही थी मैं। वी आर ऑलरेडी लेट। हाँ, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर यू। अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज गॉन इनटू दिस, आई एम श्योर यू लाइक इट। You're looking nice. चलो सब लोग आ गए। hey, चलो। हम यहाँ क्यों आए नताशा? It's a surprise. You just wait and watch. The new generation is all fun and games. They are not serious. Absolutely. I am always Mama right. थैंक यू मामा जी, कम से कम आज मेरे बुलाने पर आप आए तो सही। थैंक यू सो मच। आई जस्ट वी शुड नॉट लूज द अपॉर्चुनिटी। हाय, हाउ आर यू डूइंग? हेलो। हाय। तो निर्वाण साहब, तरक्की तो बड़ी तेजी से हो रही है आपकी। जितनी तेजी से आप अपना सेम और एड्रेस बदलते हैं, उतनी तेजी से आप लोगों के दिमाग पे भी हावी हो जाते हैं। Cheers. रफ्तार ही जिंदगी है सर। निर्वाण? Hmm? प्लीज यहां आ जाइए। गो। मामा जी, आप भी प्लीज यहां आ जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला लेने जा रही हूं। मैं चाहती हूं कि निर्वाण मेरा लाइफ पार्टनर बने। कुछ समझ रहे हैं मेहता साहब, क्या होने जा रहा है? अब जो भी हो, कोई नया इश्यू मत खड़ा करना। जतिन को चुप कराने के लिए हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़े हैं, अब सिर्फ पार्टी एंजॉय करो। यू गेट इट? हाथ लाओ निर्वाण। पहनाओ। ओ, कोई बात नहीं। पहनाओ ना। Nirvaan.
जो चाहे सजा दे सकती हो मुझे। सजा तो मैं तुम्हें दे ही रही हूं निर्वाण। चलो केक काटते हैं। चलो पिक अप द नाइफ। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ
हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ये तो लेडीज परफ्यूम है, लगता है कोई तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है निर्वाण। राधिका, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सिवा मैं किसी और से प्यार कर सकता हूँ? निर्वाण, आज तुम मुझसे एक वादा करो, मेरे मर जाने के बाद तुम दोबारा शादी करके घर बसा लोगे। राधिका, ये तुम क्या कह रही हो? You're my life. मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा राधिका। निर्वाण, मुझे प्रॉमिस करो, मेरे मेरे जाने के बाद तुम फिर से वो जिंदगी नहीं अपनाओगे जो तुम पहले जी रहे थे, फिर से वही जिंदगी नहीं अपनाओगे। राधिका, मैं जानती हूँ, मुझे प्रॉमिस कर। राधिका, राधिका, निर्वाण अब ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम राधिका के साथ बिताओ। मतलब तुम्हारा फोन। मैं तुम्हारे ही पास आ रहा हूं। नताशा, नताशा, जानम आओ जरा सांस लो, एहसास I know, it's you. आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? क्यों? नहीं बताती। चले निर्वाण, आज तुम इतने चुप क्यों हो? क्योंकि आज तुम बोलोगी। क्या? मैं क्या बोल? ओ गॉड, लीव मी प्लीज। निर्वाण, मुझे तुमसे कुछ कहना है। I'm pregnant.
हमारी जिंदगी में कोई आने वाला है। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तुम खुश नहीं हो? चलो तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। ऐसे नहीं। ओह गॉड। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम राधिका के साथ बिताओ। वेलकम होम। लुकिंग टायर्ड। आप अंदर कैसे आए? हम पुलिस में हैं। और जाहिर सी बात है कि पुलिस वालों के पास एटिकेट नहीं होता। एटिकेट तो हम लोगों को सिखाते हैं मिस्टर निर्वाण श्रॉफ। ओहो। और मुझे लगता है कि आपने मेरे रूम की तलाशी तक ले ली है। ओह, कमाल हो गया। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि हमने आपके कमरे की तलाशी ली है? ऐसे? अरे वाह, मतलब आप एक पेंटिंग देखकर समझ गए कि आपका पूरा कमरा बिखरा हुआ था। वेरी गुड सर, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास इसका सर्च वारंट भी होगा। हमें सस्पेक्ट तक आने के लिए किसी सर्च वारंट की जरूरत नहीं है। सस्पेक्ट? ऑफिसर, क्या आपको अब भी लगता है कि सोनिया का कत्ल मैंने किया है? सीसीटीवी फुटेज कहता है कि तुम्हारी कदकाठी का कोई शख्स वहां था, लेकिन चेहरा उसका नदारद था। दिस इज हरासमेंट ऑफिसर। अभी तुमने हरासमेंट देखा कहां है मिस्टर निर्वाण श्रॉफ? तुमने मुझे चैलेंज किया था ना, आई एक्सेप्ट इट। और अब मैं तुम्हें पूरे सबूत के साथ गिरफ्तार करूंगा। एक्सक्यूज मी। एटिकेट। बैंकॉक टू पटाया। याद रखना, मैं तुमसे सिर्फ एक कदम पीछे हूं। एक कदम के फासले से रेस में यह फैसला हो जाता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। खैर छोड़िए, और कुछ कर सकता हूं मैं आपके लिए? जो करना था वो तुम कर चुके। थैंक्स। बस नताशा के करीब आने की कोशिश मत करना। हाँ,
थैंक्स बोलने से पहले इतने सवाल और भी हैं। तुम क्या कर रहे थे वहां पर? सर, अच्छा ये बताओ कि तुम बार बार नताशा के रास्ते में, मौत के रास्ते में, ये इत्तेफाक है या फिर मेरी प्लानिंग है? कौन सा राज है निर्वाण का जो सोनिया जानती थी और उसे रास्ते से हटना पड़ा? रॉक्सन। यस सर। टेक दिस टोल टिकट एंड फाइंड आउट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट निर्वाण फ्रॉम पट्टाया। फाइंड आउट एनी कनेक्शन ही हैज ओवर देयर। मैं तुमसे सिर्फ एक कदम पीछे हूं निर्वाण। हाँ राहुल, राधिका कैसी है? तू घर पे है निर्वाण? हाँ यार, एक तो दिन से बहुत परेशान हूं इसलिए हॉस्पिटल आ नहीं सका। वैसे वो नाराज तो नहीं है ना मुझसे? अरे तो कुछ बोलता क्यों नहीं है यार? अच्छा सुन, मैंने यहाँ सारी अरेंजमेंट कर दी है, हम उसे कल यहाँ से बैंकॉक शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? तूने बहुत देर कर दी निर्वाण, राधिका अब नहीं रही। क्या हुआ अचानक यहाँ पुलिस स्टेशन में? मामा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मामा मैं शादी कर रही हूँ और आपसे पूछे बगैर मैंने गार्डन में आपका नाम भी लिखवा दिया है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी एक क्रिमिनल के साथ मेरा नाम छपवाने की? मामा मैं जानती हूँ कि आप उसको पसंद नहीं करते, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसने किया क्या है। सोनिया मर्डर केस में सस्पेक्ट है वो, खतरा तुम पे भी मंडरा रहा है। उससे मुझे क्या खतरा हो सकता है? वो तुम्हें मोहरा बना रहा है। तुम क्या समझती हो तुमसे शादी करके बच जाएगा वो? ना नताशा, जिस दिन मेरे हाथ सबूत लग गया उस दिन नहीं बच पाएगा वो। अभी भी देर नहीं हुई है, फैसला बदल लो। देर तो हो चुकी है मामू। I'm carrying his child. इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो तुम? अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो नताशा, सबसे बड़ी गलती। एनीवे,
अगर वो गुनाहगार साबित हो गया तो सारे रिश्ते नाते भूल जाऊंगा, याद रखना। आज मैं जान गई हूं कि इस दुनिया में निर्वाण के सिवा मेरा और कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा। सर, सर पटाया पुलिस वालों ने निर्वाण की पहचान कर ली है सर। अच्छी खबर है, लेट्स मूव टू पटाया। ओके सर। How do you know this guy? Does he have a prior police record? No, sir. This Indian guy is quite popular over here. He sang some Indian songs in one of our local fundraiser. He's got a very fine voice. उसकी वाइफ राधिका, इसे वो एडमिट कराने के लिए गया है। सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं जीना चाहती हूँ निर्वाण, वरना मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। क्यों यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हें हमने इस बैंकॉक के हॉस्पिटल में शिफ्ट भी कर दिया है। डॉक्टर पॉल और राहुल यहाँ के सारे स्पेशलिस्ट से तुम्हारे लिए कंसल्ट भी कर रहे हैं। क्या हुआ, संभालो। What is this? क्या हो रहा है? ये क्या है? क्या है? सर, पासपोर्ट सर। पासपोर्ट? निर्वाण नहुजा, निर्वाण श्रॉफ। राहुल। हाँ राहुल बोल। अरे निर्वाण, तूने अभी तक बताया नहीं वो डोनर का नाम क्या है? डोनर का नाम तुझे आज शाम तक पता चल जाएगा। तू एक काम कर, यहां की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दे। Move fast. सर पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। पहले हमें नताशा को बचाना पड़ेगा। जी सर। Move fast. Move. अरे अब चलो भी। रेडी रेडी रेडी। एक सेकंड अभी आती हूँ। ऑफिसर राठौर, डैम। ये लड़की भी ना, सो केयरलेस। अरे क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, चाबी। मैं तो कुछ नहीं भूल रही हूँ ना, एवरीथिंग इज फाइन। मुझे तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? आज तो तुम मुझे लेके जा रहे हो ना। हेलो मैम साहब, है क्या घर पे? नहीं सर, मैडम तो निकल गई। कहाँ गई है? सर वो तो पता नहीं, ड्राइवर साथ में नहीं है, निर्वाण सर खुद ड्राइव करके गए। कौन सी गाड़ी से गए? सर ब्लैक फॉर्च्यूनर। Go.
VIP. जी सर. आज न्यू ईयर नाइट है ना? यस सर. इन्फॉर्म ऑल द यूनिट्स. ओके. सारे बड़े होटल को चेक करें. यस सर. ये निर्वाण का प्रोग्राम कहीं ना कहीं जरूर चल रहा होगा. एंड ऑर्डर देम. यस. जहां हम ही मिले उसे कस्टडी मिले. अरेस्ट हिम इमीडिएटली. ओके सर. जिंदगी कहाँ लेके चल पड़ी, सफर है ये कौन सा किसी को भी खबर नहीं. आज ही ले हम दो घड़ी, क्या हो कल क्या पता. अजब है ये जिंदगी कहाँ लेके चल पड़ी, सफर है ये कौन सा किसी को भी खबर हैं डूबी इस रोशनी में, आ डूब जाएं हम भी खुशी में, बहते ही जाएं नशे में जिंदगी के, बहते ही जाएं नशे में जिंदगी के. छू लेना हमें गम कहीं, खो ना जाए हम कहीं, अभी जो है ये समा वो फिर हो या नहीं. आज ही ले हम दो घड़ी, क्या हो कल क्या पता. तेरी नजर से खुद को बचा के ले जाऊंगा मैं दिल को चुरा के. देख ले चाहे तू आजमा के, देख ले चाहे तू आजमा के. ये तू भी नहीं जानती है ख्वाहिशे क्या मेरी, तुझी से तुझे छीन लूं इरादा बस है यही. आज ही ले हम दो घड़ी, क्या हो कल क्या पता. Love you, baby.
निर्वाण तुम ना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। दिखाओ हाथ, दिखाओ। इतना भी कोई भूलता है क्या? शोमी शोमी शोमी। क्या हुआ? मैं अपना फोन शायद भूला हूँ नीचे बेबी, बस अभी जाकर लेकर आता हूँ। मुझे डर लगा तो। आज के बाद तुम्हें फिर कभी डर नहीं लगेगा। क्या क्या बोल रहे हो? आज के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। यू जल्दी आना। हाँ चाहूंगा कि मेरी नताशा बिल्कुल मेरी तरह सोचे। बस इतनी सी बात। ला फॉर्म दो, मैं अब भी साइन कर देती हूं। मेरे मर जाने के बाद तुम दोबारा शादी करके घर बसा लोगे। We'll be right back.
वहीं रुक जाओ। राहुल तू हमें लेके क्यों यार? जानना चाहता है क्यों? तो सुन, निर्वाण ये नताशा कपूर मेरी सौतेली बहन है। हाँ, पहले इसके बाप ने मेरी माँ को धोखा दिया और हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, और मेरे जब से होश संभाला है ना, बस एक ही चीज चाहिए, कपूर खानदान की तबाही, बर्बादी। फिर मेरा दिमाग चला, मैंने सोचा क्यों ना अपनी खूबसूरत बहन को मारकर पूरे ईगल एम्पायर का राजा बन जाऊं। डीएनए टेस्ट तो ये साबित कर ही देगा कि मैं भी कपूर खानदान का वारिस हूं। कैसा लगा मेरा प्लान? प्लान? और तेरे इस प्लान में तूने मुझे क्यों मोहरा बनाया राहुल? गुड गुड, मैं जानता था कि तेरा अगला सवाल यही होगा। दरअसल ये नताशा कपूर, अमीर बिगड़ेल को ट्रैप करना किसी आम आदमी के बस की बात तो थी नहीं। तभी मेरी मुलाकात हॉस्टल में तुझसे हुई, द ग्रेट लेडी किलर निर्वाण। तुझसे मिलते ही मैं समझ गया कि मेरा काम तो हो गया, तुझे चारा बनाया, और ये बेवकूफ मछली जाल में फंस गई। ये नंबर जीपीएस पे ट्रैक करो क्विक। हर वक्त मैं साय की तरह तेरे पीछे घूमता रहा, ये जानने के लिए कि तेरा अगला कदम क्या होगा। तू किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार तो हो ही चुका था, बस अब एक पुश की जरूरत थी जो मैंने दे दिया, और तू नताशा के पीछे बैंकॉक चला आया। मगर बीच में सोनिया आ गई, तुझे ब्लैकमेल करने लगी। मुझे मत डराना, 2 दिन उसके बाद तुम्हारा प्रॉपर इंट्रोडक्शन नताशा को देना पड़ेगा। उसे भी रास्ते से हटा दिया मैंने। लेकिन फिर एक हर्डल आ गया, नताशा प्रेग्नेंट हो गई। I'm pregnant. और मैं जान गया था कि अब तो तू उसे मार नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने होटल तक तेरा पीछा किया, क्योंकि मैं उसी वक्त समझ गया था कि अब तेरा काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। नताशा कपूर, गुड बाय। आज तू गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
छोड़ दो उसे। राधिका को देखने की तमन्ना पूरी? बेबी, आर यू ओके? मैं ही तो हूं सारे षड्यंत्र रचाने वाली, ताकि मेरा राहुल करोड़पति बन पाए। मेरी बीमारी तुमसे शादी, सब एक नाटक था मेरा, सब एक नाटक था। लगता है अपनी मौत को सामने देखकर पागल हो गया है। गलती इसकी नहीं। इसके हाथों मजबूर हो गया था। शूट राधिका, राधिका गोली चलाओ, चलाओ गोली, मैंने कहा चलाओ गोली। I'm sorry, Nirvaan. समय पे नहीं पहुंच पाया।